लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं, कभी तेजस्वी जा रहे हैं, तो यह सब जो है सो यह सब दिखाई तो स्पष्ट रूप से पड़ रहा है कि पप्पू यादव निश्चित रूप से मजबूत वहाँ पड़ रहे हैं, और मजबूत पड़ रहे हैं तभी उनको घेरने की कवायद की जा रही है आरजेडी की ओर से। आरजेडी क्या, अब देखिए एनडीए के लिए भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तमाम एनडीए के बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, तो यह सब तो दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग पप्पू यादव की जो का जो इमेज है वहाँ पर, इमेज इन द सेंस कि वह जो काम करते रहे, संघर्ष करते रहे हैं पूर्णिया को लेकर के, और हर अच्छे बुरे समय में वह लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, या रोज़मर्रा की का सवाल हो या कभी विपदा की घड़ी हो उस समय वो खड़ा रहते हैं, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव की एक अलग पहचान, अलग छवि है वहाँ पर पूर्णिया में, और उसको चाह करके भी लोग अगर यदि चाहेंगे तो हमको अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब हो सकता है, देखिए चुनाव में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव वहाँ पर विन विन की सिचुएशन में अगर यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के तीसरी दौरे पर हैं, जो चुनावी दौरा प्रधानमंत्री का हो रहा है वो तीसरा दौरा बिहार में है। पूर्णिया में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को सभा करने वाले हैं। पूर्णिया एक हॉट सीट बना हुआ है, जहाँ से निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू को उम्मीदवार हैं एनडीए समर्थित संतोष कुशवाहा, और आरजेडी के उम्मीदवार हैं बीमा भारती, जो हाल ही में जेडीयू छोड़ आरजेडी में गई थी। ऐसे में अब सवाल है कि प्रधानमंत्री के पूर्णिया दौरे से क्या पप्पू यादव के वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ने वाला है? इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, पप्पू यादव की जो हॉट सीट है पूर्णिया, वहाँ से प्रधानमंत्री सभा करने वाले हैं, क्या पप्पू यादव के जो सीट है उस पर वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव तीसरी बार जो है सो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दो बार निर्दलीय और एक बार समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की कभी पार्टी हुआ करती थी, और अभी अखिलेश यादव उनके पुत्र के कब्जे में है, के पास में है, तो वो उस पार्टी से लड़े, और बिहार में समाजवादी पार्टी का क्या आधार रहा है कि यह किसी से छुपी छिपाई बात नहीं है, तो यह पप्पू यादव के नाम पर ही समाजवादी पार्टी ने वहाँ से पूर्णिया से उस समय खाता खोला था, तो ये बड़ी बात है। और देखिए पप्पू यादव संघर्ष और संवाद के प्रतीक बताए जाते हैं, और वो हैं भी, संघर्ष वह लंबे समय तक करते रहे, और संघर्ष का तो नाम है ही, और संवाद जो संघर्ष और संवाद उनका रहा है पप्पू यादव का, यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वह कितने जुझारू, और एक एक बिंदु पर कोई भी छोटी बड़ी बात हो, वह जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो तो पप्पू यादव उसके लिए जहाँ तक जाना होता है वह जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, तो यह है पप्पू यादव। तो पप्पू यादव के लिए देखिए प्रधानमंत्री को उसी रंगभूमि मैदान में जहाँ पर कभी पप्पू यादव इससे पहले वहाँ पर प्रणाम पूर्णिया का जो कार्यक्रम किया था उसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा था पूर्णिया शहर में, माने आप समझिए कि वो पूर्णिया शहर, पूर्णिया का इलाका जो है सो अस्त व्यस्त हो रहा था, वो पप्पू यादव की अपने बल पर अपने दम पर उन्होंने वहाँ पर किया था पिछले दिनों, और अब उसी रंगभूमि मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो 16 तारीख को होने जा रही है, वह कहीं ना कहीं जेडीयू के सिटिंग एमपी संतोष कुशवाहा के पक्ष में ही होगी, क्योंकि वह तीर और कमल छाप के निशान पर एनडीए फोल्ड में है, और जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं जो एनडीए में है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको रंगभूमि मैदान में जो पूर्णिया में जो 16 तारीख को जो रैली होगी उसमें यह पता चलेगा कि क्या जो है सो कितनी जो है सो भीड़ जुटती है, कितनी भीड़ आती है, और पप्पू यादव उसी से आकलन भी किया जाएगा। पप्पू यादव जब उस मैदान में किए थे तो कितनी संख्या, कितनी आबादी आई थी, कितने लोग आए थे, कितने लोग जुटे थे, और यह नरेंद्र मोदी की रैली में कितने लोग, और देखिए रैली में कई तरह से लोग आते और जाते हैं, तो जो एक स्वतः अपने मन से जो अपनी इच्छा से जो आम आवाम वहीं के लोकल स्थानीय होंगे वोट तो वही करेंगे, जो बाहर से आए हुए लाए हुए लोग तो वोट करेंगे नहीं, तो ऐसे में यह भी एक देखने वाली बात होगी कि उस दिन 16 तारीख को कितने लोग प्रधानमंत्री की रैली में स्थानीय लोग होते हैं और बाहर से लोग कितने आते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की रैली है, निश्चित रूप से लोग जुटेंगे, लेकिन वह जुटेंगे तो स्थानीय लोग कितने होंगे, वोटर कितने होंगे जो कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के होंगे, यह सबसे बड़ी बात है।
और न्यूज़ फॉर नेशन तो लगातार जो है सो पूर्णिया में कवरेज कर रहा है, लगातार पूर्णिया के मिनट मिनट के माने हर दिन की खबर को प्रमुखता से दिखला रहा है। तो अभी तक की जो 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 दिखाई पड़ रही है जो ग्राउंड जीरो से न्यूज़ फॉर नेशन की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक नरोत्तम जी ये समझ लीजिए कि पप्पू यादव जो है सो उनका जो है सो उनको एज मिलता हुआ स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी के वर्तमान परिस्थिति में जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब अगले प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या होता है, क्या जन भीड़ आती है, क्या उसका रिस्पांस होता है, वह अलग विषय है, लेकिन अभी तक पप्पू यादव ही जो है सो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव या फिर जो जिला के उपाध्यक्ष हैं वो ऐसे तमाम कई चेहरे हैं जो कि आगे बढ़ करके पप्पू यादव के साथ में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर के जो सवाल खड़ा कर रहे हैं यह एक बड़ी बात है। और यह दिखाई पड़ता है कि आरजेडी के अंदर पूर्णिया में एटलीस्ट कम से कम सब कुछ ऑल इज़ नॉट वेल है, तो यह एक बड़ी बात है। और रही बात बीमा भारती की, बीमा भारती पर जो सवाल उठ रहा है कि वह तो कभी आरजेडी में थी नहीं, तो वही तो सवाल जो है सो कई आरजेडी के लोग उठा रहे हैं कि बाहर से आयातित उम्मीदवार को लाला करके सब जगह दिया जा रहा है और जो जो लंबे समय से पार्टी के साथ में लाठी डंडा खाए और जो ईमानदार जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में नाइंसाफी हुई है, तो यह एक बड़ा मैसेज अंदर खाने में है। और आज के समय में देखिए कुछ लोग प्रस्तावित होकर के कुछ लोग को इस तरह से पप्पू यादव के खिलाफ में बोलने के लिए कहीं ना कहीं जिनको दांत मुंह में नहीं है वह बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ में, तो वह वैसे कौन लोग हैं उनको भी लोग चिन्हित कर रहा है कि अब एक छोटा मोटा संगठन बना के पप्पू यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। तो यह सब भी अब कहीं ना कहीं बात देखिए अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है कुछ न कुछ लोग इधर उधर हुलुक बुलुक करने वाले लोग भी आपको दिखाई पड़ेंगे, तो यह जो है सो कहीं ना कहीं यह चुनाव को में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कवायद में कभी जो है सो NDA और कभी जो है सो RJD के उम्मीदवार जो है सो आप देखिएगा कि वहाँ पर पप्पू यादव के का जो संघर्ष है जो पूर्णिया के वह तो संघर्ष के साथ ही रहे हैं पूर्णिया में सीमांचल के में तो, और वो उनको कहीं ना कहीं घेरने की कवायद में ये लोग लगे हुए हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के तरफ से वहां चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं, NDA के तरफ से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं, पप्पू यादव के लिए दोनों गठबंधन के लोग कितना चुनौती बढ़ा रहे हैं? नहीं देखिए चुनौती बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो अलग विषय है। देखिए पप्पू यादव के लिए प्रधानमंत्री को रैली करनी पड़ रही है यह एक बड़ी बात है। इस बात को समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष की बात आप जो बता रहे हैं कि वो जाने वाले हैं, तो वह देखिए और सबसे बड़ी बात देखिए बीमा भारती के नामांकन के समय तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं मौजूद थे जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, RJD की कमान उन्हीं के हाथों में है, तो वह जो है सो वह जब जा रहे हैं और किसी के नॉमिनेशन नामांकन में अब तक नहीं गए, तो वह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि क्या मामला है, क्या माजरा है कि पप्पू यादव को ही घेरने की फिराक में तमाम लोग लगे हुए हैं। कभी लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं, कभी तेजस्वी जा रहे हैं, तो यह सब जो है सो यह सब दिखाई तो स्पष्ट रूप से पड़ रहा है कि पप्पू यादव निश्चित रूप से मजबूत वहाँ पड़ रहे हैं और मजबूत पड़ रहे हैं तभी उनको घेरने की कवायद की जा रही है RJD की ओर से। RJD क्या जा रहे हैं कैंप कर रहे हैं, तो यह सब तो दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग पप्पू यादव की जो इमेज है वहाँ पर, इमेज इन द सेंस कि वह जो काम करते रहे संघर्ष करते रहे हैं पूर्णिया को लेकर के और हर अच्छे बुरे समय में वह लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, या रोज़मर्रा की का सवाल हो या कभी विपदा की घड़ी हो उस समय वह खड़ा रहते हैं, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव की एक अलग पहचान अलग छवि है वहाँ पर पूर्णिया में, और उसको चाह करके भी लोग अगर यदि चाहेंगे तो हमको अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ता। अब हो सकता है देखिए चुनाव में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता लेकिन आने वाले समय में क्या होगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव वहाँ पर विन विन की सिचुएशन में अगर यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और खबर चल रही है, कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रहा था सिवान से, जो प्रत्याशी हैं RJD के उनका ऐलान तो नहीं हुआ था लेकिन अवध बिहारी चौधरी का वो तस्वीर पीला लिफाफा है जो लालू यादव और तेजस्वी यादव उनको थमा रहे थे,
तस्वीर वायरल होने के बाद खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी अवध बिहारी चौधरी देते हैं कि सिवान से हमें टिकट मिल गया है। क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये ऐलान करते हैं? ऑफिशियली तो आरजेडी के तरफ से ऐलान नहीं हुआ था, क्या हीना साहब से डर रहे थे कि हीना साहब मनाने की कवायद आरजेडी की ओर से चल रहा था? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, हीना साहब एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है सिवान में, और सिवान ही नहीं, वह तमाम बिहार में अगर देखिए तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज में उनकी पकड़ है। उनकी तो उनके पति जो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद थे, उनकी एक अलग पैठ है। तो वो ऐसे में यह सब जो एक तरह से हम कहें राजनीतिक ड्रामा रचा गया, और अवध बिहारी चौधरी तो पहले से ही वहाँ पर, ये सैम्बुल जो पीला लिफाफा के आप जिक्र कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे पहले अवध बिहारी चौधरी सिवान में जो है सो बैटिंग बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे थे। तो अब जो है सो वहाँ पर अब पत्ता खोल दिया गया है आरजेडी की ओर से, वह पीला लिफाफा दे करके कि वही जो है सो आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे, सैम्बुल उन्हीं को थमाया गया है। तो यह एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के वोट हीना साहब के कारण इधर उधर न जाए, इसी को लेकर के कुछ दिन तक इसको टाल मटोल कर किया जाता रहा। लेकिन अल्पसंख्यक आप देखिए कि पप्पू यादव से लेकर के, और जिस तरह से पप्पू यादव ने हीना साहब को कहा कि मैं उनकी चुनाव में रहूँगा, हीना साहब ने कहा, तो यह अंडर करंट है, ये पूरे सीमांचल में कह लीजिए, पूरे बिहार में कह लीजिए, हीना साहब की एक, हम जैसे पहले भी बताया कि अलग पहचान अलग छवि है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हीना साहब का पप्पू यादव का चुनाव होगा, वह सिवान में कैंप करेंगे, और सिवान में जो है सो सिवान से निश्चित रूप से वह जो अंडर करंट जो मुस्लिम समाज में अल्पसंख्यक समाज में वोट इधर उधर तमाम जो हम जो बात कह रहे थे कि कई लोग आकर के कुछ कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के इधर उधर, तो वह ऐसे लोग भी चाह करके भी पप्पू यादव के वोट को इधर उधर नहीं कर सकेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हों या यादव समाज के हों या किसी समाज के हों, पप्पू यादव की एक अपनी पहचान अपनी पकड़ है और हर समाज में उनका एक्सेप्टेंस है। वह कोई अल्पसंख्यक यादव की बात नहीं, सवर्ण समाज में भी उनके साथ में है, उनके साथ में आप देखिए कि उनके साथ में राघवेंद्र प्रसाद कुशवाहा उनके साथ में मजबूती से हैं, जो एक नाम जाना पहचाना चेहरा है। प्रेमचंद सिंह उनके साथ में है, तो यह सब प्रेमचंद सिंह भी एक अच्छे छवि के एक युवा चेहरा उनके साथ में लगातार आप देखिएगा कि साये की तरह बना रहता है। तो यह सब जो है सो कौन लोग हैं, यह लोग कहीं ना कहीं मजबूती से उनके साथ बुरे समय में अच्छे समय में सुख दुख में साथ कर रहने वाले और एक आवाज़ में जनता के बीच जाने वाले लोग हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव की USP जो है सो यही है, संघर्ष, और वो कोई भी आ जाए तो, और सिवान में देखिए, सिवान में हीना साहब एक बड़ा नाम है, इसलिए सिवान में किसी को आप कहीं पर भी लगा दीजिए, हीना साहब निर्दलीय ताल ठोक रही हैं, और उनके लिए स्वयं पप्पू यादव ने भी घोषणा कर रखी है कि हम जाएंगे वहां कैंप करेंगे। तो सिवान की सीट भी देखिए कहीं ना कहीं वह निर्दलीय ही लड़ रही हैं, जिस तरह पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं पूर्णिया में, और कहीं ना कहीं हीना साहब को भी आसान्वित किया गया था कि आपको मिलेगा, लेकिन उनको न तो राज्यसभा मिला न उनको लोकसभा मिला। तो ऐसे में मुस्लिम समाज के साथ साथ जो हीना साहब के और मरहूम जो तो शहाबुद्दीन को जानने वाले लोग हैं, वह लोग काफ़ी उनके अंदर में नाराजगी है कि क्यों नहीं इनको आरजेडी ने टिकट दिया, तो क्यों आरजेडी ने ऐसा किया। साफ हो गया हीना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, पप्पू यादव उनके लिए प्रचार करने भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि पूर्णिया और सिवान ये दो सीट ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पर आप देखिएगा कि मुस्लिम का वोट इधर से उधर नहीं होने वाला है, वहाँ पर सिवान में भी जो है सो तमाम लोग प्रयास कर ले, हीना साहब को ही वोट जाएगा, यादव का हो या मुस्लिम का हो। उसी तरह से पूर्णिया में भी यादव का हो या मुस्लिम का हो, वह क्योंकि हीना साहब ने कह दिया है पप्पू यादव के लिए, तो अंडर करंट है वो। उसी तरह से देखिएगा कि पप्पू यादव ने कह दिया, तो यादव में देखिए ठीक है, लालू यादव का कभी समय हुआ करता था, वह यादव के नेता थे, लेकिन अब जो है सो यादव भी क्या चाहते हैं कि कौन संघर्ष का साथी हमारे साथ में है, कौन मेरे दुख सुख में खड़ा है, तो वह कौन चेहरा है, वह चेहरा पप्पू यादव का ही होता है। तो ऐसे में पप्पू यादव संघर्ष के साथी रहे हैं यादवों के बीच में, तो वह उनको कितना भी कोई तोड़ मरोड़ कर ले, कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन मैसेज नहीं जाने वाला है, और मजबूती के साथ देखिएगा कि यही आपको दिखाई भी पड़ेगा। सिवान और पूर्णिया का परिणाम आपको अगर यदि चौंकाने वाला कहा जाए आएगा, तो इसमें भी कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, तो प्रधानमंत्री पूर्णिया के दौरे पर 16 तारीख को रहेंगे, तो पप्पू यादव के लिए कितना चुनौती वो हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। उधर कल सिवान सीट को जो सस्पेंस था वो ख़त्म कर दिया गया है,
एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद अवध बिहारी चौधरी खुद अपने फेसबुक पोस्ट लिखकर ये जानकारी देते हैं कि सिवान से कैंडिडेट हमें बना दिया गया है। अब सिवान में भी जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, वो ताल ठोकेगी, तो ऐसे में सिवान में क्या होने वाला है, पूर्णिया में क्या होने वाला, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।